हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं वीपीएन नेटवर्क इशू को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वीपीएन नेटवर्क जो इशू है उसको कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और एडिशनल सेटिंग पर जाना है। एडिशनल सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रीस्टार्ट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है और दोबारा से रीस्टार्ट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। और जैसे ही आपका रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपका जो वीपीएन नेटवर्क इशू है वो फिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।